ओ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है कि अल्लाह की दुआओं से आप लोग अच्छे ही होंगे। आज एक मैं बहुत ही अच्छा स्टार्टर लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार और कम समय में बनने वाला रेसिपी है। यहाँ मैं बनाऊँगी पनीर टिक्का। कितना आसान तरीका, दिल इसका लुक तो रहेगा मार्केट जैसा और खाने में भी स्वाद में लाजवाब रहेगा। तो मैं यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लेकर आई हूँ। इसे पीसेस कर लेंगे पहले, उसके बाद आगे का प्रोसेस में जाएंगे। इसे थोड़ा बड़े बड़े साइज में कट करेंगे। सारे पनीर के पीसेस कर चुके हैं, इसे इतना साइज में रखेंगे। आपका मर्जी है कितना मोटा रख सकते हैं। थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो बहुत ही, थोड़ा सा पतला है ये। अब इसे साइड में रख लेंगे। एक बर्तन लेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। पहले मैं यहाँ पे हंकड़ ली हूँ, 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच इसमें डाल लेंगे। गाढ़ा दही लेना है इसे अंदर में, क्योंकि मसाला हमारा जो गाढ़ा बनेगा तो पनीर का ऊपर में अच्छे से कोट हो पाएगा। तो इसके अंदर में कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ली हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, रेगुलर मिर्च है, यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार है, चाट मसाला है, और थोड़ा सा मार्केट कलर लाने के लिए रेड फूड कलर है। यहाँ पे मैं अपने आपने यहाँ पे अगर ये ऑप्शनल है हटा सकते हैं, तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें सारे मसाले लेकर डाल लेंगे। सारे मसाले इसके अंदर में चला गया। और यहाँ पे मैं आपको भूल चुकी थी, तो यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर भी आधा चम्मच इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल ऐड की हूँ। इसे अच्छे से धुएंधार गरम होने के बाद में इसमें ऐड करें। कच्चा सरसों का तेल इसमें बिल्कुल भी ऐड ना करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों का तेल डालने पर क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से निखर के आता है। अब अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। आप क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं ली हूँ शिमला मिर्च और यहाँ पे प्याज। प्याज लेंगे इस तरह से, थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में लेंगे, और मिर्च शिमला मिर्च को भी इस तरह से काट लेंगे क्यूब साइज में। अब क्या करेंगे मसाले में, इसे सारे शिमला मिर्च और प्याज को पहले मिला लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को डालने से पहले मैं यहाँ पर मसाले में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी। इसे डालने पर क्या होता है, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो आप चाहे तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर क्रिस्पी के लिए कॉर्नफ्लोर डाल चुकी हूँ इसके अंदर में। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मिर्च और प्याज को इसके अंदर में डालकर इसे मिला लेंगे, मसाले के साथ में मिला लेंगे अच्छे से। पहले पनीर डाल देते तो पनीर टूट जाता, तो पहले प्याज और कैप्सिकम का ऊपर में थोड़ा मसाला कोट हो जाने के बाद में सॉरी इसका ऊपर में पनीर डालेंगे। अब इसमें पनीर डाल लेंगे, पनीर के टुकड़े इसके अंदर में डालना है। आहिस्ता आहिस्ता हाथों से, हल्के हाथों से इसे चलाएंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाते हुए इसे बस चलाना है। इसका ऊपर मसाला लग जाने तक इसे कोट करना है। पनीर का ऊपर में अच्छे से मसाला लग चुका है। मैं आपके पास कुछ भी हो इस तरह से, कोई पिन वगैरह, तो उससे आप उसे ग्रिल कर सकते हैं। मेरे पास ये माइक्रोवेव वाला है, तो मैं इसके अंदर में पहले डाल लूँगी पहले 1 आलू। आलू डालने पर क्या होता है, इसका ये स्टेबल होकर रहता है, तो इसके नीचे में लगा लेंगे पहले आलू, उसके बाद लगाएंगे पनीर। पनीर के पीसेस को इसे इस तरह से लगाना है। उसके बाद एक कैप्सिकम का पीस लेंगे, उसके अंदर में लगा लेंगे। इसी तरह से एक प्याज के टुकड़े भी लेंगे, इस तरह से लगाते जाएंगे। बस फिर से पनीर का टुकड़ा लेंगे, इसी तरह से लगाकर तैयार कर लेंगे। कैप्सिकम और प्याज आप जिस तरह चाहें उस तरह लगा सकते हैं।
इस तरह से लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से लगा चुकी हूँ और एक आलू को ऊपर में लगा लेंगे। बस ये परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, देखिए इस तरह से। और एक बनाकर तैयार करेंगे, इस तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। इसी तरह से मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ और इसे अलग से इसे रखी हूँ। इसे सीखने का तरीका, दो तरीका मैं बताऊँगी। पहला तरीका क्या करेंगे, पहला तरीका मैं बता रही हूँ, आपके पास अगर ग्रिल पैन हो तो ग्रिल पैन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तावे में करूँगी। बहुत ही आसान तरीका, दोनों तरीका ही आसान है। पहला तरीका, मैं यहाँ पर तावे में थोड़ा सा गर्म होने के बाद में 1 से 2 चम्मच मैं तेल ऐड करूँ। ज़्यादा तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 चम्मच ही तेल ऐड करेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, बस इसमें 1 से 2 चम्मच तेल ऐड करूँगी। सिंपल सा तरीका, बस एक एक पीस लेंगे, इसमें बस डालते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च, इसे भी डालते जाएंगे। ये थोड़े समय के बाद में नीचे की तरफ सिक जाने के बाद में इसे पलट लेंगे, इतना अच्छा कलर आया है। इस तरह से सारे पनीर को पलट लेंगे और इसमें प्याज और कैप्सिकम को भी पलट लेंगे। बहुत अच्छा कलर आ चुका है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली, कभी भी आप ऐसे बनाकर खा सकते हैं। कोई मेहमान वगैरह आ गए हो तभी भी आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से इसे भी पलट लेंगे, थोड़ा सा सिक जाने के बाद में मज़ेदार सा हमारा पनीर टिक्का बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद दूसरा तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए तुरंत ही बन के तैयार हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर में। ये देखिए इस तरह से सारे पनीर के पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे पनीर के पीसेस निकल चुके हों, कितना अच्छा कलर आया है। अब ये प्याज और कैप्सिकम थोड़ा सा इसे छोटे कर लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इसे। हमारा मीठू जो है ना, उसे भी खाना है पनीर टिक्का। मीठू मीठू डॉक्टर खाना है, बिल्कुल साथ में खाएंगे। थोड़ा सा इसे टच करना है, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। अब चूल्हे को बंद कर चुके हूँ, इसे भी निकाल लेंगे, साइड में रख लेंगे। और जो प्रोसेस करेंगे फिर से आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। दूसरा तरीका जो है, गैस का ऊपर में डायरेक्टली दिखा देंगे, इस तरह से रोटेट करते हुए दिखाएं, अच्छे से थोड़ा सा निशान आ जाए, तब तक हमें इसे भून कर निकाल लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही तंदूर वाला फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। इस तरह से थोड़ा सा इसे भून लेंगे अच्छे से। इस तरह से रोटेट करते हुए भुने, ये तुरंत ही भून के तैयार हो जाता है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। इसी तरह से आप भी बनाएं तो आपका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल बन के। देखिए कितना अच्छा निशान आया है इसके अंदर में। ये देखिए कितना अच्छा निशान आ चुका है इस तरह से। और एक जो है उसे भी इस तरह से तैयार कर लेंगे। दोनों पनीर टिक्का हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब इसे सर्व करते हैं। इस तरह से बना लें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही, दोनों ही तरीका बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही इजी सिंपल सा तरीका। अब इसे जो प्याज है इसे भी सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार। शिमला मिर्च और प्याज जो है बहुत ही स्वादिष्ट वाला बनके तैयार हो चुका है। अब ये पनीर टिक्का का स्टिक भी तैयार हो चुका है।
इसे केचप के साथ में परोसें। मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था तो केचप, इसलिए मैं इस थोड़ा सा ले इसे साथ में सर्व कर रही हूँ। आई होप मेरा ये पनीर टिक्का वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।